सीएम सिटी गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसी दौरान संवाददाता जफर खान ने एसपी ट्रैफिक से खास बातचीत की। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि सीएम सिटी में यातायात व्यवस्था को लेकर और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। आम जन मानस में यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सीएम सिटी गोरखपुर के नवागत एसपी ट्रैफिक संजय कुमार थर्ड ने गोरखपुर का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस वक्त हमारे साथ संजय कुमार जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उन्होंने जो चार्ज लिया गोरखपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कुछ नया प्लान तैयार करेंगे। संजय जी आपका जो है सजबे धर चैनल पे स्वागत है। क्या कुछ नया प्लान करेंगे ट्रैफिक को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सौभाग्य मुझे इस शहर का सेवा करने का अवसर मिला है। जहाँ तक ट्रैफिक में नया करने की बात है तो बहुत से पहले से चल रहे हैं सिस्टम, जैसे वेंडर जोन नो वेंडर जोन को डिसाइड करना और वेंडिंग जोन में ही वेंडरों को रखना, नो वेंडिंग जोन को प्रोहिबिटेड करना, पूरी तरह से वहां से बाहर करना, जो पार्किंग बनी हुई है इसमें परसू करना कि सभी वाहन अपनी पार्किंग में ही खड़े हों, जो विभिन्न स्थानों में पार्किंग बने उसमें खड़े हो, इससे हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। जो वाहन लोग सड़कों पर खड़े करके चले जाते हैं और कंजेशन उत्पन्न होता है, इसमें प्रयास किया जाएगा कि सारी वाहन पार्किंग में खड़े हों, इससे हमको सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा एडाप्टिव कैमरे के संदर्भ में भी प्रयास किया जाएगा कि कैमरा ये सेंसिटिव रहे, उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि जहाँ भीड़ ज़्यादा हो उसको ज़्यादा टाइम दिया जाए, जिधर कम हो तो कम टाइम दिया जाए। इस दिशा में अधिकारियों से वार्ता करके इसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सिटी की सभी बसें जो बाहर से संचालित हो रही हैं उसको पूरी तरह से परसू किया जाएगा कि पहले से चल रहे जो व्यवस्था है उसको सुचारू बनाए रखा जाए, लोगों की राय जानकर और पुलिस व्यवस्था देकर सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पाए। तो आपने देखा ये गोरखपुर के नए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार थर्ड जी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरा प्लान तैयार करके जो शहर की यातायात व्यवस्था उसको और चुस्त किया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग अभी भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, ऐसे लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ एक अभियान के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। गोरखपुर से सजबे धड़क के लिए जफर खान।